ऑयल लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है। तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो गई, डालेंगे हम लहसुन की कुछ कलियाँ, मैंने चॉप कर लिए, साथ ही चॉप किया हुआ अनियन, 2 मीडियम अनियन मैंने चॉप करके डाला है, हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो अनियन हमारी सुनहरी होकर के आई है, डालेंगे हम मसाले। मसाले में मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, जीरा पाउडर 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिए। ये सारे मसाले हम इसमें डालेंगे। डालेंगे मसाले, थोड़ा सा पानी, ढक देते इसे, पानी से सूख चुके। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, मसाले हमारे भून गए दोस्तों। मैंने यहाँ पे ले लिया है रोहू फिश हेड, ये देखें, ये अच्छी तरह नमक हल्दी से वॉश करके मैंने रख लिया है पानी में। डालते हैं एक एक करके इसे, धीरे धीरे इसे ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे, मसाले में कोटिंग कर लेंगे। दो सेकेंड के लिए इसे ढक देते हैं। चलिए एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और बहुत रफली हमें इसे नहीं मिक्स करना है, बिल्कुल धीरे हाथ से, हल्के हाथों से इसे ऊपर नीचे करना है। इस स्टेज में दोस्तों गलने के लिए हम पानी ऐड करेंगे, इतना पानी डालना है कि ये रोहू फिश हेड उसमें डिप हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। ग्रेवी मुझे बहुत पतली रखनी है इसलिए मैं ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ, आपको मीडियम रखने हैं तो आप मीडियम रख सकते हैं, इसमें पानी कम ऐड कर सकते हैं। एक एक करके अरेंज कर लेंगे पानी में ठीक से, ढक देते हैं। चलिए दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं बहुत ही सावधानी से। तो दोस्तों ग्रेवी रेडी है, रोहू फिश हेड रेडी हो चुका है, बंद करेंगे हम फ्लेम। कोरिएंडर लीफ चॉप करके रखा है इसे डालेंगे ऊपर से, दो से तीन सेकेंड के लिए हम इसे बंद करके रखेंगे। तो दोस्तों हमारा रो फिश हेड हो गया है रेडी बंद करके, आप भी इसी तरह बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए।